अरे माइनक्राफ्ट क्या कोई कुछ बोल सकता है क्या? माइनक्राफ्ट तो हेलो गाइस, आज हम बहुत दिनों के बाद खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ओके? तुम मानो या ना मानो पर मैं इस गेम में बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ। तुम देखते रहो बस मैं क्या क्या करता हूँ। वैसे आगे क्या करना है? ओके, तो मुझे अभी सुअर के बच्चे को मारना पड़ेगा। वैसे फाइनली मुझे सुअर की मीट मिल चुकी है, पर क्या तुम इसे खाना पसंद करोगे? मेरी फट रही है अभी, क्योंकि अभी देखो जरा तुम, सूरज डूब रहा है और मेरे पास ना ही लकड़ियां है ना ही कुछ, और मैं घर कहाँ बनाऊंगा यार मुझे रहने के लिए आज रात को। और ये मुर्गिया को जल्दी मैं मार लूँ, कि मुर्गिया अगर कोई जॉम्बी भी अगर कोई अटैक उटैक करता है तो बचने के लिए मैं उनको खा सकूँ। और एक सेकंड, ये रहा सिप। सिप को मुझे कम से कम सिप तो कलेक्ट करना पड़ेगा, सिप की वूल, क्योंकि ताकि मैं एक बेड बना सकूँ, ताकि मैं मतलब सुबह कर सकूँ जल्दी से। और यार जो बोले पर रात बहुत स्पीड से हो रही है, मुझे जल्दी से कोई घर बनाना पड़ेगा ठिकाना, वरना जॉम्बी तो माइनक्राफ्ट में मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है तो सिर्फ रात होने से, वरना तो मैं कभी भी कहीं भी चला जाऊं, चाहे जितना भी गहरा केव क्यों ना हो, कहीं भी अगर अचानक से जॉम्बी उम्बी टपक गया ना तब तो मैं गया। अरे भाई अभी रुक, अभी बताता हूं तेरे को, रुक जा अभी। शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। अरे भाई ये बहुत गंदा डैमेज दे रहे हैं मुझे। अरे भाई मेरे 1 HP है, मैं क्या करूं? मुझे जल्दी कहीं छुपना होगा वरना मैं गया, मेरा चैलेंज यहीं पे अधूरा रह जाएगा फर्स्ट नाइट का। तो अभी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए ही सही पर मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, ताकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी बढ़ सके कुछ खा पी के। इन ज़ॉम्बी लोग को तो इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, पर पहले जल्दी से यहाँ पे पैक करो और कुछ खा पी लो, ताकि इन सब ज़ॉम्बी को मैं अपनी औकात दिखा सकूँ। ये ज़ॉम्बी अपने आप को समझ क्या रहे हैं? हाँ, ये अगर ज़ॉम्बी हो तो क्या हुआ, मैं इनके फादर हूँ फादर। तो फाइनली अभी आधी सुबह तो हो चुकी है, पर मुझे अभी चाहिए क्राफ्टिंग टेबल, पर उसको बनाने के लिए मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। तो जल्दी से चलो कहीं अच्छी सी लकड़ियाँ खोजते हैं। पर एक सेकंड, ये ऊपर में क्या है गाइस, कमेंट करके बताना, मुझे पता नहीं, मैं इतने देर से खेल रहा हूँ। और ये लो गाइस ज़ॉम्बी। यार ये ज़ॉम्बी लोग कुछ चैन उन है कि नहीं, मतलब सुबह हुई नहीं कि फिर पीछे पड़ने लगे। कसम से बता रहा हूँ, इनके मन तो कर रहे हैं इनके सर में TNT बांध के ब्लास्ट कर दें। ये जलते फिरते इधर ही आ रहे हैं मेरी तरफ, मेरा पीछा इन लोग से छुड़ाना होगा, वरना मेरी आधी हेल्थ भी अभी मेरी पूरी हेल्थ अभी बढ़ी नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और देखो गाइस, देखो ऊपर के आसमान का नज़ारा, देखो पानी का व्यू, देखो कितना खतरनाक आ रहा है। अब मुझे क्या करे, मुझे कहाँ जाना चाहिए यार? अब फिर से अगर रात हो गई ना तो मेरे पास कोई चारा वारा नहीं है कि मैं कहीं पर जाकर छुप जाऊँ, मुझे लकड़ियाँ तो काटनी ही पड़ेगी। पर मैं एक अच्छा सा जगह भी सोच रहा हूँ, पर जहाँ मैं अगर रात होती है तो मैं वहाँ पे रहने के लायक कुछ घर और बना सकूँ, पर कहीं वो जगह मिल ही नहीं रही है, मुझे शायद ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो गाइस ये देखो मुझे क्या मिला है, लावा। तो मैं अभी इसके अंदर जाके देखता हूँ। अरे भाई मुझे लगा था कि थोड़ी सी हेल्थ जाएगी, पर ये तो बहुत ज़्यादा हेल्थ जाने लगी, कहीं मोए ना हो जाए। यार पानी भी नहीं है, चलो बच गया, मेरी हेल्थ और कम हो गई यार। अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, लकड़ियाँ काटो पहले। एक तो कुछ वेपन नहीं है, बहुत लेट लगेगा काटने में। तो गैस मैंने थोड़ी सी तो लकड़ी काट ली है, पर जरा आप देखो सामने का नजारा, जरा पानी का व्यू देखो, समंदर का कितना खतरनाक लग रहा है ना। ओ भाई साहब, इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। और जल्दी यहाँ से हटो, क्या पता मैं गिर के मर ना जाऊँ, इसलिए मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस अब अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक तो कर दो, और कमेंट में बताओ कि मुझे नेक्स्ट चैलेंज क्या करनी चाहिए। अब जितना भी हार्ड चैलेंज क्यों ना दे दो, मैं उसको कम्प्लीट करके दिखाऊँगा मैं आपको, क्योंकि मैं लेजेंड हूँ यार, तुम समझते नहीं हो, मैं एक बहुत बड़ा प्रो हूँ इस गेम में, तुम समझा करो ना। क्या मतलब कि मैंने अभी तक अंडर ड्रैगन को भी नहीं मारा है? इतना भी सच नहीं बोलना था, पर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो अंडर ड्रैगन को भी मार दूंगा। और मुझे सोच रहा हूँ मैं ऐसे ऐसी जगह में बहुत कुछ मिलती है, मुझे गोल्ड बहुत बार मिली है, इस बार मिलेगी क्या? नहीं यार गोल्ड नहीं, पर हाँ कोल मिल चुकी है, मुझे कोल जल्दी से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ज़ॉम्बी उम्बी से फंसता हूँ कहीं पर तो मैं उसकी टॉर्च बना सकूँ। तो मैंने जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना के एक पिकैक्स बना ली है, ताकि मैं कुछ कोल जल्दी से कलेक्ट कर सकूँ। पर मुझे अभी चाहिए मुर्गी, क्योंकि मेरी हेल्थ देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, मैं इस टाइम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। तो जल्दी से मुर्गी सबको मारते हैं, बस कम मीट निकालते हैं, और कहीं मुर्गी मिल जाए तो जल्दी से इसका चिकन खाते हैं, ताकि मेरी हेल्थ बढ़ सके।
और गैस प्लीज यार एक कमेंट में बताओ मुझे नेक्स्ट चैलेंज क्या करनी चाहिए, मुझे कुछ टॉपिक नहीं मिलते इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो हेल्थ तो अभी नहीं बढ़ी है, जल्दी से कोल सबको कलेक्ट करते हैं। और कोल मिलेगी ना, मुझे जितना कोल चाहिए उतना मैं ले लेता हूँ। पहले एक सेकंड, पहले मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल को पहले मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लकड़ी भी नहीं है जो मैं फिर से बना सकूँ। कोल मुझे हमेशा पता नहीं, सबसे ज़्यादा कोल ही मिलती है गेम में। और चलो जाके देखते हैं कुछ और मिलेगी क्या। नहीं और तो कुछ नहीं है ऐसी ऐसी जगह में ना, सबसे ज़्यादा तुमको गोल्ड मिल सकती है, नहीं गोल्ड सॉरी बोल रहा हूँ मैं, आयरन, आयरन मिल सकती है। और लो मुझे अभी मुर्गी मिल गई, तो जल्दी से मुर्गी मार लेते हैं, मतलब मुर्गी मार लेते हैं ताकि मैं इसको खा सकूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, मेरी हेल्थ देख सकते हो और कम हो गई, पहले तो 3 में था अभी और कम हो चुकी है। यार मेरे साथ ये सब क्यों होता है। और ये लो ये क्या है, पिग। यार एक टाइम में अगर भूख लगे ना तो पिग का भी मीट खा लेना चाहिए माइनक्राफ्ट के अंदर, कुछ भी बोल रहा हूँ। और गाइस अभी रात होने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कि आप देख सकते हो मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। और लो और कोल मिल गई है, तो जल्दी से इन सबको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो गैस मेरे पास ना ही कोई लकड़ी है ना ही कुछ सामान जो मैं एक अच्छा सा घर बना सकूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक अंडरग्राउंड घर ही बना लिया जाए, क्योंकि आज रात को बिताने के लिए मैं एक अंडरग्राउंड घर बनाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक खतरनाक आलीशान घर बनाएंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसीलिए एक लाइक कर दो। और मुझे अभी से जल्दी से एक टॉर्च बना लेनी होगी, क्योंकि मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है माइनक्राफ्ट में, अंधेरा जब भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि सामने से एक ज़ॉम्बी आके टपक पड़ेगा, इसलिए टॉर्च दिख क्यों नहीं रही यार, मैंने लास्ट टाइम बहुत लेट से बनाया था, बहुत देर बाद, इसलिए अभी टॉर्च लेना होगा। यस टॉर्च आ चुकी है गाइस 4, तो जल्दी से यहाँ पे इसको लगाते हैं, होल्ड करते हैं और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से हटा, वरना मैं घर कैसे बनाऊँगा। तो जल्दी से घर बनाते हैं, मतलब एक अभी एक नॉर्मल सा घर बनाएंगे, उतना कोई बड़ा घर नहीं बनाएंगे, एक नॉर्मल सा घर बना लेंगे जिससे मैं रह सकूं। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, फास्ट फॉरवर्ड मैं पता नहीं क्या ही क्या बोले जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे कुछ देर बाद। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा घर बन के रेडी हो चुका है, एक आलीशान छोटा सा घर। क्या मजाक है यार, यार जो बोलो पर माइनक्राफ्ट में जो कोई भी बिगनर रहता है ना, जो गेम नया नया डाउनलोड करता है, उसका पहला घर ऐसा ही होता है, तो इसीलिए मेरा भी घर कुछ ऐसा ही है। तो इसी बात पे एक लाइक कर दो यार अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो। और हाँ मैं एक ही गेम नहीं खेलता, मैं बहुत सारा गेम खेलता हूँ, क्योंकि मुझे सारे गेम पसंद हैं। तो मैं कभी आज माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ तो मैं कभी कुछ और खेलूँगा, तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।